हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हमारा क्लास 11th का चैप्टर 4th दैट इज एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसके बहुत सारे बेसिस थे, वो बहुत सारे बेसिस के ऊपर वो क्लासिफिकेशन बनाया गया था। तो हम सबसे पहले उन बेसिस को पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन जो था वो कौन कौन से बेस पर किया गया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन था इसमें, सबसे पहला बेस था इसमें क्लासिफिकेशन का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेलुलर लेवल पर है, ऑर्गन लेवल पर है या टिश्यू लेवल पर है। तो इसमें बहुत सारे थे, जैसे सेलुलर लेवल, ऑर्गन लेवल या टिश्यू लेवल। ठीक है, जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिर्फ पॉलीफेरा आते हैं, जबकि जो ऑर्गन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी बाकी बचे हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, वो सब ऑर्गन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। ठीक है, जो ऑर्गन लेवल होता है वो किसमें होता है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऑर्गन लेवल होता है। टिश्यू लेवल जो है वो सेलुलर के बाद आता है। ठीक है, सबसे कॉमन जो होता है, सबसे छोटा लेवल सेलुलर, उसके बाद टिश्यू लेवल, उसके बाद ऑर्गन लेवल और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लैटिहेल्मिंथ्स के आगे, प्लैटिहेल्मिंथ्स और उससे आगे जो भी है वहां पर ऑर्गन सिस्टम होगा, और पॉलीफेरा और प्लैटिहेल्मिंथ्स के बीच में जैसे नाइडेरिया है या जिसको आप सिलेंट्रेटा बोल रहे हो, सिलेंट्रेटा है, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, सेकंड लेवल, सेकंड बेस देखो इसका क्या था। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मे बी ऑफ ओपन टाइप और इट मे बी ऑफ क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड भरा रहेगा, जबकि क्लोज में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होंगे। ये ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड पास होगा। ठीक है, तो ओपन में बॉडी कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होगा, जैसे कॉकरोच के अंदर होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें बॉडी फ्लूइड भरा होगा और हर एक सेल डायरेक्टली इस जो फ्लूइड है उसके कॉन्टेक्ट में होगी, जबकि क्लोज के अंदर एक नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, ट्यूबुल्स का, उसके थ्रू ब्लड जो होगा वो स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर सप्लाई किया जाएगा। मतलब हर एक सेल को जो फ्लूइड होगा वो इन कैपिलरीज के थ्रू पास किया जाएगा। ठीक है, थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सिमेट्री या बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री जो होती है वो दो टाइप की होती है, कॉमनली बायलेटरल और रेडियल। बायलेटरल में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, मान लीजिए ये वाला हमारा ऑर्गेनिज्म है, इसके यहां पर एक हाथ है, यहां पर एक हाथ, यहां पर एक पैर है, यहां पर एक पैर है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम हमारी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हम क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। जबकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा तो उसको आप किसी भी रेडियस के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री उनके अंदर होगी जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होगी वो समवट स्फेरिकल टाइप की होगी। जैसे हम प्रॉन झींगा की बात करते हैं, उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, या स्टार फिश के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, या आप स्कॉर्पियन की बात करते, सॉरी ये जो क्या होती है, मकड़ी जो होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि बायलेटरल सिमेट्री ह्यूमन बींग्स के अंदर होगी, हमारे अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ बेसिस था इसका, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स।
लेयर आ रही है तो उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और अगर तीन चरम लेयर आ रही है तो वो हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें क्या होता है, सबसे बाहर वाली, फिर बीच वाली और फिर सबसे अंदर वाली एक लेयर बनती है। बाहर वाली होती है एक्टोडर्म, अंदर वाली होती है एंडोडर्म। ये दो लेयर प्रेजेंट होंगी डिप्लोब्लास्ट के अंदर, जबकि ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर एक बीच में लेयर भी होगी जिसको बोलेंगे मेसोडर्म। ठीक है, तो जो डिप्लोब्लास्ट होते हैं वो सिलेंट्रेट्स होते हैं। डिप्लोब्लास्ट पॉलीफेरा सिलेंट्रेट है, वो डिप्लोब्लास्ट में आते हैं, जबकि सिलेंट्रेट से आगे जैसे हम हैं या और इंसेक्ट्स हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सीलोम। सीलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। किसी के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी तो उसको बोलेंगे सीलोमेट, किसी के अंदर नहीं होगी तो उसको बोलेंगे एसीलोमेट। और एक वो होंगे जिसके अंदर बॉडी कैविटी तो होगी लेकिन वो इस ट्रू सीलोमेट, जो ट्रू सीलोम होती है उसके जो क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं करेगी तो उसको बोलेंगे सूडो सीलोम। ठीक है, क्या है सीलोमेट कौन होते हैं, जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी और उसकी लाइनिंग जो होगी वो मेसोडर्म से होगी, मतलब ये एक्टोडर्म हो गई, उसके बाद ये मेसोडर्म हो गई, फिर यहां पर है कि ये बॉडी कैविटी है और फिर यहां पर एंडोडर्म है। तो जो बॉडी कैविटी है उसकी लाइनिंग किससे है, मेसोडर्म से। ठीक है, जबकि यहां पर एसीलोमेट में कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म और एक मेसोडर्म, जबकि सूडोसिलोमेट्स के अंदर यहां पर जो ये क्या है एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म और उसके बाद यहां पर ये एंडोडर्म है। यहां पर ये ऐसी बॉडी कैविटी ना होकर यहां पर पैचेस में पाई जाएगी, ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर होगी कहीं कहीं पर नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर मेसोडर्म की लाइनिंग है बाहर बॉडी कैविटी के तो उसको बोलेंगे सिलोमेट, अगर मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है तो उसको बोलेंगे सूडोसिलोमेट, और जहां पर बॉडी कैविटी है ही नहीं उसको बोलेंगे एसिलोमेट। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन 6 नंबर है सेगमेंटेशन। अगर किसी की बॉडी के ऊपर सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं मेटामेरी सेगमेंटेशन। जैसे हमने अर्थवॉर्म देखा है, ये अर्थवॉर्म की बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे सेगमेंट बने होते हैं। जब हम इस अर्थवॉर्म को खोलेंगे, ओपन करेंगे काट कर, तो सेगमेंट्स जो होंगे वो अंदर भी होंगे। और अर्थवॉर्म की स्पेसिफिसिटी होती है कि वहां पर हम ये बताते हैं कि इस नंबर सेगमेंट पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इस नंबर सेगमेंट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो इस टाइप की सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। 7th है लास्ट इसका नोटोकॉर्ड। अगर किसी के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी तो वो होंगे कॉर्डेट्स, और जिनके अंदर नहीं होगी वो होंगे नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, ये नोटोकॉर्ड जो होगी वो वर्टिकल कॉलम में भी चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड होगी वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम रहेगी तो उनको बोलेंगे वर्टिब्रेट्स, और अगर किसी के अंदर नहीं होगी तो उसको बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये हमारे 7 बेस थे क्लासिफिकेशन के। पूरे किंगडम एनिमेलिया को इन्हीं के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप पूरे किंगडम एनिमेलिया को इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक आप अपना ये नोट्स बना लीजिए
हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद ऑल द ग्रुप्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया. ओके, तब तक आप ये रिवाइज कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इनको पढ़ लीजिए. थैंक यू.